हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि यह आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं है, बट इस वीडियो में मैं किस तरह से रूबिक क्यूब को जल्दी से आप बना सकते हैं, एक बालक अपने टैलेंट को इस वीडियो में शो करना चाहेगा। जैसा कि अभी मैं फ़िलहाल कोचिंग के लिए निकलने वाला था तो मैंने सोचा इस वीडियो को शूट कर देते, क्योंकि शाम को मुझे आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाना है। इस वजह से कल मैंने वीडियो प्रोवाइड नहीं किया इसके लिए, क्योंकि कल स्पेशली हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे हॉलीडे को, इस वजह से कोई वीडियो कल नहीं प्रोवाइड किया उसके लिए रियली सॉरी। बट आज के इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यह एक बालक है जिसके हाथों में रूबिक क्यूब नाम का आप देखे होंगे, मार्केट में आपको देखने को मिला होगा, या फिर बहुत सारे छोटे बच्चे लिए रहते हैं, या फिर आप मेले में देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे खरीद कर लाते हैं और आपको देते हैं कि भैया इसको जल्दी से आप सारे जो भी एक कलर के जो भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं पॉइंट, उनको क्लियर करना होता है सेम मैच कर। तो किस तरह से क्लियर करना होता है आज की इस वीडियो में यह बालक अपने टैलेंट को शो करेगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, अगर 100 लाइक्स आ जाते हैं तो रियली मैं जान जाऊंगा कि आप लोग एक्साइटेड हैं इसको सीखने के लिए। तो मैं आने वाले सप्ताह में आपको वीडियो प्रोवाइड करके इस बालक के माध्यम से बालक अपने टैलेंट को आपको भी सिखा देगा। तो अगर आपको अच्छा लगे टैलेंट को देखकर तो आप रियली वीडियो को लाइक कीजिएगा, और 100 लाइक्स अगर आप क्लियर करा देते हैं इस वीडियो पर तो रियली नेक्स्ट वीक मैं इस यह बालक अपने इस ट्रिक को भी आपको शो करेगा। तो चलिए उस बालक से मिलते हैं और उसका नाम भी जान लेते हैं कि वह कितने समय लेता है इस रूबिक क्यूब को कम्प्लीटली इसको सॉल्व कर लेने के लिए। चलिए पहले नाम जान लेते हैं और कहाँ स्टडी करता है ये भी जान लेते हैं और कितने समय वह लेता है इसको यानी कि क्लियर सॉल्व कर देने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। हाँ तो बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक वर्मा और मैं मलयालम पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस रूबिक क्यूब को 2 से 2.5 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि और लोग भी इसे सीखें, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इनका टैलेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और 100 लाइक्स होता है तो रियली मैं आप लोगों के लिए इनका नेक्स्ट वीक एक वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि आपको उसमें पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे किस तरह से वो बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, उस ट्रिक को सीखने के लिए आप कम से कम 100 लाइक्स देंगे तभी मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आऊँगा। फिलहाल आप लोगों का जो इंग्लिश टॉपिक का वीडियो है वह शाम को आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप वेट कीजिएगा। अभी फिलहाल मुझे कोचिंग के लिए निकलना है तो मैं जल्दी से सोचा कि इस वीडियो को क्लियर कर दूं, क्योंकि शाम के समय मेरे पास समय नहीं रहता। तो चलिए सीख लेते हैं बगैर समय वेस्ट किए। स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं ये अभी फ़िलहाल पूरी तरह से बना हुआ है, सारे देख सकते हैं कलर एक ही जगह हैं। तो जल्दी से इनको अब सब अव्यवस्थित करते हैं, उसके बाद आपको जल्दी से बना कर दिखाते हैं। तो फिलहाल आप इसको थोड़ा सा अव्यवस्थित कर दीजिए ताकि मेरे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर रहे कि यह फ़िलहाल बना हुआ नहीं है। देख सकते हैं पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका है, और भी आप कर दीजिए 2-4 बार, नहीं तो सोचेंगे कि यह किसी तरह का मैनेज है। तो देख सकते हैं पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया है, तो करीब यह 2 या 2.5 मिनट लेंगे इसको क्लियर करने के लिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, चलिए आप शुरू कीजिए। देख सकते हैं तरह तरह से वो अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं। तो यह सब कैसे हो रहा है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको 100 लाइक्स तो देने होंगे, उसके बाद ही आप को नेक्स्ट वीक यह बता सकते हैं कि किस आइडिया से इन्होंने किया था। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये बना रहे हैं, अभी व्यवस्थित कर रहे हैं कि किस तरह से होगा। तो करीब करीब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है, अभी भी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो करीब 2 मिनट के आसपास, 2.5 मिनट के आसपास ये क्लियर हो जाता है। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेज बीम के साथ ज्वाइन हो जाइए, और यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश की प्रिपरेशन कराई जा रही है। शाम को आपको वीडियो मिलेगा, कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया क्योंकि कल हॉलीडे था तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे छुट्टी को, और जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा। अभी फ़िलहाल देखिए 2 मिनट हुए नहीं है, अभी जल्दी जल्दी मैनेज किया जा रहा है। और यह कैसे क्लियर होता है, आपको 100 लाइक्स क्लियर करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक इस बालक का एक वीडियो मैं और लेकर आऊँगा और बताएगा यह बालक उस वीडियो में कि यह किस तरह से 2 मिनट में सारी समस्याओं को सॉल्व कर दिया।
तो देख सकते हैं करीब 2 मिनट के अंदर ही सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। एक बार दिखा दीजिए, देख सकते हैं हर साइड एकदम क्लियर है। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को आप इम्प्रेस कर सकते हैं इस आइडिया को। मैं भी काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि मेरे स्टूडेंट्स भी जान सके कि काफ़ी हद तक गाँव में काफ़ी टैलेंटेड बॉयस होती हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोग 100 लाइक्स इस बालक के लिए तो ज़रूर ही प्रोवाइड करेंगे, और कमेंट भी अच्छा कीजिएगा। और वेट कीजिएगा, शाम तक आपको आपके इंग्लिश टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलेगा, और पूरी तरह से प्रिपरेशन कराइए रे बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके लिए बेफिक्र रहें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, इस बालक ने जिनका नाम है दीपक है, तो फिलहाल मदरलैंड पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास 12th 10th के स्टूडेंट्स हैं, और बहुत ही कहने का मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो उनकी जो मैं आपको कभी कभार के एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें इनका GK फिजिक्स केमिस्ट्री सारे जो सब्जेक्ट हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी यानी काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। इस वीडियो मैंने आपको उनके माध्यम से शो कराया कि किस तरह से वह रूबिक क्यूब नामक इस समस्या को केवल 2 मिनट के अंदर, लगभग 2 मिनट में सॉल्व कर दे रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बालक के लिए कम से कम इस वीडियो को 100 लाइक्स ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। आई होप आप लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख कर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, और अगर आपका 100 लाइक्स क्लियर कर देते हैं, वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इस बालक का जो आइडिया है कितना जल्दी सॉल्व करने का, वो आप लोगों को बताए या ना बताए, या फिर अभी आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिजी हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने कमेंट के माध्यम से क्लियर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप लोग का क्या रिस्पॉन्स होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शाम के लिए वेट कीजिए, आप लोग को इंग्लिश से टॉपिक जो हमारा टॉपिक है वह आ जाएगा शाम को। ठीक है, थैंक यू सो मच।